हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? तो देखिए, हाउ टू मेन लिफ्ट इनटू लोकसभा, व्हाट द हाउस सिक्योरिटी रूल्स सेज। तो कल हमने देखा लोकसभा में दो लोग घुस गए थे, तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। टू इंडिविजुअल who breached Lok Sabha security on Wednesday entered the visitor gallery on passes issued to them on the request of the BJP MP from Mysore, Pratap Sinha. तो ये प्रताप सिन्हा के वजह से वो लोग घुसे हैं। अंडर द रूल सिक्योरिटी स्टाफ इन द विजिटर्स गैलरी मस्ट मेंटेन विजिल एंड इंश्योर विजिटर डू नॉट इंडल्ज इन मिसबिहेवियर और कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। वॉट द रूल सेज, रूल क्या बोलता है? द एडमिशन विड्रॉवल एंड रिमूवल ऑफ विजिटर और स्ट्रेंजर इज गवर्न बाई रूल 386, 387, 387A ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। द एडमिशन ऑफ स्ट्रेंजर टू दोज पोर्शन ऑफ द हाउस विच आर नॉट रिजर्व फॉर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द मेंबर शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर मेड बाई स्पीकर। द रूल सेज द स्पीकर मे ऑर्डर द विड्रॉवल ऑफ स्ट्रेंजर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द हाउस एंड ऑथराइज ऑफिसर्स शैल रिमूव द परडिक्ट और टेक इन टू कस्टडी एनी स्ट्रेंजर हु हैव बीन एडमिटेड इन टू एनी पोर्शन ऑफ द प्रिसिंक्स मिसकंडक्ट और विलिंगफुल इन्फ्रिजमेंट ऑफ द रेगुलेशन। तो ये रूल्स है, ये रूल्स साफ बताते हैं कि स्पीकर के बात मानी जाएगी। और क्या कहता है, स्पीकर किसी को भी किसी भी पार्ट से हाउस के निकाल सकता है और ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो आपको वहाँ से लेकर जाएंगे, आपको कस्टडी में लेंगे आप अगर कोई मिसकंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये वो एरिया जैसे लोकसभा है उस एरिया में ये सारे विजिटर होते हैं जो रिजर्व नहीं है सिर्फ वहाँ पे एक्सक्लूसिव मेंबर के लिए। कुछ कुर्सियाँ हैं जो रिजर्व है, वहाँ तो विजिटर जा भी नहीं सकते, तो उनकी तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। एंट्री ऑफ विजिटर अकॉर्डिंग टू एम एन कॉल एन एस एल सेक्दर मैजिस्ट्रियल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट अ मेंबर कैन अप्लाई फॉर द इशू ऑफ विजिटर कार्ड ओनली फॉर दोज हु आर वेरी वेल नोन टू देम पर्सनली। द एम पी मस्ट सर्टिफाई दैट विजिटर इज माई रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड नोन टू मी पर्सनली एंड आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिम और हर। तो जो एम पी लेकर जा रहा है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है विजिटर की। कॉल एंड सेकेंडर नोट दैट द नेम्स ऑफ द विजिटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन फुल एंड नॉट विथ इनिशियल्स। तो पूरा सरनेम के साथ आप फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम सब दोगे। एंड द फादर हजबेंड नेम ऑफ द विजिटर शुड ऑल्सो बी इनवेरिएबली बी गिवन इन फुल। तो फादर का या हस्बैंड का नाम वो भी पूरा होना चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन कार्ड शुड बी डिलीवर्ड एट द सेंट्रल पास इशू सेल CPIC प्रेफरेबली बाय 1600 आवर्स ऑफ वर्किंग डे प्रीवियस टू द डे फॉर विच विजिटर कार्ड आर रिक्वायर्ड। तो मतलब 4 बजे से पहले इज इफ देर इजंट इनफ टाइम टू अप्लाई अ कार्ड कैन बी इशूड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। अगर अप्लाई नहीं किया तो किस कंडीशन पे होंगे? Not more than same day visitor card are issued on member for particular day. The card is required to be collected by member person personally. The specific hour for which the card is valid is indicated on the card. Cards are made available for use at least 2 hours after the time of recipient of application. There are two type of galleries in Lok Sabha: public gallery and speakers gallery. So, two gallery hai, public gallery hai, speakers gallery hai. A member can facilitate any entry of 4 people daily in the public gallery. He or she can facilitate the entry of 2 people in the speaker's gallery. The name of the latter visitors are written by the speaker's office. All visitors are required to carry a photo ID. Rajya Sabha has its own rule for entry of visitors which are largely similar. So, two gallery hote hain, ye humne pata chal gaya. Ek speaker's gallery ho gaya aur ek public gallery ho gaya. Public gallery mein 4 log ja sakte hain, speaker gallery mein 2 log एम पी लेकर जा सकते हैं। इसके नाम आपके स्पीकर ऑफिस से आएंगे। राज्यसभा का भी ऐसे ही ऑफिस है, अरे ऐसे ही गैलरी है, ऐसे ही रूल्स है जो लार्जली सेम ही है, ज़्यादा कोई उसमें अंतर नहीं है। सिक्योरिटी चेक्स क्या है? द लोकसभा एंड द राज्यसभा
secretariat issue bulletin informing MP of the security procedure for the entry of visitor. Parliamentary security staff at the public gallery checking post must ensure that all the visitors are put through door frame or handheld metal detector and check the visitor's card and cross-check the detail with the approved list in their possession. The Parliament security staff inside the public gallery will maintain a very close vigil on the visitor and ensure that they maintain silence and do not indulge in any kind of mischief or disturbance like shouting or slogan, attempting to throw leaves or pamphlets or any other objectionable item or attempt to jump into chamber. Supervisor in the gallery will take care of this seating arrangements of the visitor, and the security assistant deputed in the gallery will help visitor get acquainted with the use of headphones, the guidelines stated. ठीक है, यही इसमें बात हुआ है आपका सब है. Two men who reached the lower house would have had get three rounds of security. तो three rounds of security से वो लोग पास हुए थे. Security level one for visitor at the periphery of the complex. Visitor can't take anything inside the complex. Phone, notebook, etc. are to be deposited here, and only the ID and visitor pass can be taken. Visitors are frisked and put through metal detector. ठीक है, यहाँ पे मतलब आप अंदर कुछ नहीं लेकर जा सकते, बस आप आईडी लेकर जाओगे. लेयर टू क्या है? 200 to 250 steps. तो दूसरी बार फिर से चेक होगी, ये पहला चेक हो गया, ये दूसरा चेक हो गया, दो बार चेक हो रहे हैं. ये 200 to 250 steps away है. लेयर थ्री जस्ट आउटसाइड द लोकसभा चैम्बर. तो इस चैम्बर के बस बाहर में. ठीक है, क्या देखो यहाँ पे ये चैम्बर है, यहाँ पे इससे बाहर में होगा ये. अनदर राउंड ऑफ स्कैनिंग इंश्योर इवन स्मॉल थिंग्स लाइक पेन कैप और टिश्यू पेपर आर रिमूव्ड. एसेंशियली नथिंग दैट कैन बी थ्रोन इज अलाउड इनसाइड. ठीक है, विजिटर वंस इनसाइड. अब अंदर अगर एक बार चले गए, यहाँ पर छोटे छोटे चीज़ें भी लेयर थ्री में हटा दी जाती है. अगर अंदर चले गए आप, इसके चेक के बाद आपको अंदर जाने को मिलता है. विजिटर आर assured inside the visitors gallery by parliamentary security. Each visitors gallery in Lok Sabha has 7 row, with the front row frontmost row 10.5 feet from the parliamentarian. The two men were in the visitors gallery towards the center. Each visitor gallery also has 2 parliamentary security staffers. There are total 6 galleries including for visitors and the प्रेस. तो सिक्स इस गैलरी में, प्रेस वगैरह भी इसी गैलरी में आते हैं. हाउसफुल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस देर आर मार्शल वॉच एंड वार्ड्स एज वेल एज सिक्योरिटी पर्सनल इन द लॉबी इफ नीडेड. द लोकसभा हैज 12 रो ऑफ द सीट्स. ट्रेजर बेंचेस सिट ऑन द राइट ऑफ द स्पीकर अपोजिशन ऑन द लेफ्ट. ठीक है, ये हमने हाउसफुल देख लिया क्या है. और देखिए, हैवी फुटफॉल थिन सिक्योरिटी. अ पर्सनल ऑफ पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस told the Indian Express that they have been receiving hundreds of visitors every day since the new parliament was inaugurated. Sources said 301 security officers are deployed inside the parliament, but on Wednesday 176 were present. तो उस दिन थोड़े कम थे, 50% था. The two men were seated in the visitor gallery. ठीक है, they gained access to gallery on visitor passes facilitated by Pratap Simha, the BJP MP of Mysuru, and were carrying canister in their shoes. Sources said the canister were made of plastic, hence they could not be detected. तो ये प्लास्टिक के बने थे, अपने जूते में रखे थे, इसलिए डिटेक्ट नहीं किया गया. Video showed them jumping from desk to desk and they appeared to be headed towards the well of the house. ठीक है, member present in the house told reporter later that the two men were chanting slogans such as तानाशाही नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप वॉन्ट बी एक्सेप्टेड. तो ये सारी चीज़ें हुई है. मेरे को इतना नहीं समझ आ रहा, आप इंडियन सिटीज़न होके इंडिया की ऐसी बेइज्जती करवा रहे हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि लोकसभा एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई. अब इससे तो कोई भी हंसेगा इंडिया के ऊपर. पता नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, आप क्या सोच के कुछ बोल रहे हो, तुम्हारा पर्सनल एजेंडा है, ये तरीका नहीं है. यहाँ पे तानाशाही नहीं चल रही है किसी की, डेमोक्रेसी है, लोग वोट कर रहे हैं तब आ रहे हैं. तुम अब यहाँ पे आओगे फालतू में सोचोगे कि हम भी भगत सिंह बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा.
बेटा तुम पिटाओगे अच्छे से, तानाशाही नहीं चलेगी। तो तुमको तानाशाही अभी तुमने देखी है नहीं, होती क्या है तानाशाही। तानाशाही चल रही है नहीं चल रही है, तभी आराम से आ गए और अभी छूट भी जाओगे। तो यही है, तो मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा ये जो हरकत हुई है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की बेइज्जती करवाने का। पर ठीक है, शायद इसके बाद कुछ सिक्योरिटी और अच्छे से टाइट रखी जाए। और सही भी था, दूसरों बाहर से कुछ आने से अच्छा घर वालों ने कुछ दिखा दिया खामियां अपने में। तो ठीक है, अब और सिक्योरिटी टाइट करेंगे। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।